हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों मोबाइल में नेविगेशन कैसे करें। सो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो अपने किसी भी मोबाइल में आप नेविगेशन आप करना है, सो दोस्तों आप आसानी से आप कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को आपको लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली दोस्तों आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल आइकन दिखाई देगी, इस घंटी पे भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो दोस्तों मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों हम करते वीडियो को स्टार्ट। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको तीन बटन दिखाई दे रहा है, सो इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इसका ही मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, नेविगेशन सेटिंग कैसे करें। सो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन में सेटिंग में चले जाना है और आपका मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, देन इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिस्प्ले वाला ऑप्शन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आप नीचे जाना, और नीचे यहाँ पर देखिए आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर तीन बटन दिखाई देगा मोबाइल में, तो ये यहाँ पर से गायब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन जो दिखाई दे रहा है, सो यहाँ से यानी कि डायरेक्ट आप इसको बैक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर नेविगेशन बार वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो तीन बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर आपको टिक लगा देना, जैसे यहाँ फुल स्क्रीन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जो बटन नीचे की तरफ यहाँ से गायब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर दिया हूँ, सो देखिए यहाँ पर तीनों बटन यहाँ से नीचे से यहाँ पर गायब हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर नेविगेशन बटन वाले ऑप्शन पर सबसे फर्स्ट वाले टिक लगाता हूँ, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर तीन बटन आ चुका है। सो दोस्तों इसको आप इस यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, उसके बाद इसको बैक करना है तो सिंपली आपको इसे स्क्रॉल डाउन कर देना है जैसे, तो यहाँ पर बैक हो जाएगा देखिए। सो दोस्तों आप इस सेटिंग को आसानी से इस तरह से यानी कि दोस्तों ऑन ऑफ आप कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।